बुरहानपुर जिले के इतवारा का जमीन विवाद मामला जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंच गया है। परिवार के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के पास लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार ने आरोप लगाया कि रिटायर्ड प्रोफेसर शेख मोहम्मद से हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम परिवार की सुरक्षा के लिए घर छोड़कर जलगांव चले गए हैं। जी बताएं क्या मामला है और कहां शिकायत लेकर आप पहुंचे? आप कलेक्टर ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे हैं। हमारे खेत हमने शेरा भैया के जयश्री ठाकुर को बेचा है और हमारे बड़े बाप ससुर मोहम्मद मास्टर हमको लंगी लगी गाले देते, धमकी देते, उनके डर के मारे हमने गांव छोड़ दिए, हमारा खेत बेच दिए, हमारा घर छोड़ दिए, बहुत परेशान है हम, शहर भी छोड़ दिए हमने, और आज उनसे उनको हमारे पूरे परिवार को जान, हमारी जान को खतरा है उनसे। वो हमको सुरक्षा चाहिए और हमारी जान को बहुत खतरा है उन लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है। अभी कहाँ वर्तमान में रह रहे हैं आप? हम जलगांव में रह रहे हैं। और आज शिकायत कहाँ पहुँचे आप? कलेक्टर ऑफिस शिकायत लेकर हम यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मजर। किस मामले को लेकर कहाँ पहुँचे आप? ये खेत के मैटर में है, कलेक्टर साहब के पास शिकायत देने के लिए आए हैं। सन 1977 से हमारे पापा के नाम पे थी, ठीक है। 2016 के अंदर उनका मृत्यु हुई, 2019 के अंदर हमारे नाम पर आई। 3 भाई 6 बहनें, 9 लोग, ठीक है। अब ये बोलते हैं हमारे रिश्तेदार कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखे हैं और बोले गलत तरीके से वो करे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गलत तरीके से करते हैं अगर कभी, तो SDM साहब और कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, ये सारी चीज़ों के ऊपर तो आपत्ति लगती है। सब लीगल तरीके से हुआ है, ठीक है। तो हमने जयश्री ठाकुर को बेचा है ना, और ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी थी, और वो बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारी प्रॉपर्टी पे जयश्री ठाकुर ने कब्जा कर रखी है। किन्ने शिकायत की है? क्या नाम है शिकायत करते के? ये मोहम्मद प्रोफेसर मास्टर बोलते हैं। उन्होंने कहाँ शिकायत की आप लोगों की? वो हमारी शिकायत उन्होंने कलेक्टर के की, कलेक्टर को सब दिए उन्होंने, तहसीलदार साहब को सब शिकायतें बताई उन्होंने, तो हम शिकायत देने के लिए आए हुए थे यहाँ पर कलेक्टर का। क्या मामला है? आप पे आरोप लगा है कि आपके द्वारा ना दबंगाई की जा रही है और प्रोफेसर के परिवार को परेशान किया जा रहा है। हाँ, असल बात क्या है मालूम है, 1970 के अंदर इनके पापा की है, इनके परदादा ने वो जमीन इनके पापा के नाम पे करी थी, और 1916 के अंदर इनके पापा का निधन हुआ। 2019 के अंदर ये जमीन विधिवत रूप से इनके नाम पे हुई, और उसके बाद इन्होंने विधिवत रूप से वो जमीन बेचा, जिसके पेरे और वो प्रॉपर्टी इनके नाम पे अंकित चले आ रही थी, और इन्होंने जमीन लीगल तरीके से जयश्री ठाकुर को बेचा। अब वहाँ की गाइडलाइन जो है उसके हिसाब से बेचा गया, वहाँ की गाइडलाइन 11 लाख है, ये 11 लाख के हिसाब से बेचा जमीन, तो ये तो लीगल तरीका हुआ ना। अगर लीगल नहीं होती तो रजिस्ट्री कहाँ से होती? उन्होंने रजिस्ट्री पे आपत्ति लगाई, वहाँ खारिज हुआ। तहसीलदार की आपत्ति लगाई, वहाँ खारिज हुआ। कलेक्टर की आपत्ति लगाई, वहाँ खारिज हुआ। अब ये लीगल तरीके से सब तरफ से जीत के निकल गया। अब इनके पास कोई हथियार बचा नहीं, तो इन्होंने नेतागिरी शामिल करी है, और कुछ लोग जो अपने आप को बहुत महान बताते हैं शहर के अंदर, वो शहर की फिजा खराब करने के चक्कर के अंदर है इस चीज को लेकर। आपका आरोप है कि मतलब कुछ लोगों के बहकावे में आके रही है, और वो प्रोफेसर जी ने तो और दूसरों लोगों की भी प्रॉपर्टी जब्त करके रखी है, और इन लोगों का जो निजी मकान नागजीरी के अंदर है, ये लोग डर के मारे जलगांव रहने गए, उन्होंने मकान तोड़ के कब्जा कर लिया इनके मकान को। ठीक है, आपका नाम? और मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, इसलिए इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। आपका नाम? कलीम कुरैशी, पूर्व पार्षद। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।